हेलो टीजीटी एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। सम इल्यूजन्स एंड क्वेरीज ऑन द एचएसएससी टीजीटी नोटिफिकेशन 2023। देखिए, सबसे पहले है, यदि आपकी फैमिली आईडी अपने सास ससुर से अलग है तो आप इनकम 1,80,000 से कम होने पर 5 नंबर के लिए क्लेम कर सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि फॉर्म अप्लाई करने के वक्त आपने अपनी वह कम इनकम वाली फैमिली आईडी अपलोड की हो। आप बाद में फैमिली आईडी बनवाकर वह 5 नंबर क्लेम नहीं कर सकती। ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, यदि आपने नो जॉब के लिए क्लेम किया है तो उसके लिए आपके पास अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और साथ साथ अगर आपने कम इनकम के लिए भी अप्लाई किया है तो वह फैमिली आईडी आपने फॉर्म भरते समय अपलोड की हुई होनी चाहिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि क्लेम एक ही मिलेगा, अगर दोनों में आपने अपना दावा अच्छी तरह से नहीं रखा है तो आपको एक भी नहीं मिलेगा, यानी आप अधिक से अधिक 5 नंबर क्लेम कर सकते हैं। यदि आप अपने सास ससुर की फैमिली आईडी से अलग हो गए हैं तो याद रखें कि आपके सास ससुर या सास या कोई भी पहले से उस फैमिली आईडी में गवर्नमेंट जॉब पर था या थे, तो आप अलग अलग आईडी बनवा कर भी नो क्लेम नहीं कर सकते। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपको याद रहे कि आपको मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा की एक ही फाइल तैयार करनी है, यानी एक ही फाइल के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। मेवात और ROH की दोनों की अलग अलग फाइल तैयार नहीं करनी है, क्योंकि वहां आपसे प्रेफरेंस भरवाया जाएगा। आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जहां भी मैंने इस पूरे वीडियो में जॉब क्लेम लिखा है उसको नो जॉब क्लेम माना जाए। यदि आपने तहसीलदार से नो जॉब क्लेम सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आपको केवल फैमिली आईडी और नो जॉब क्लेम सर्टिफिकेट ही लेकर जाना है। जो मैंने इनकम सर्टिफिकेट के लिए बोला था वह गलती से बोल दिया था, क्योंकि बीच बीच में किसी और फील्ड से कमेंट आ गया था और मैंने उसके कमेंट का जवाब टीजीटी में रख दिया। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी डाला था कि अगर आपकी फैमिली आईडी वेरीफाई है तो वही आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा। तो इसलिए इनकम सर्टिफिकेट का कोई भी फंडा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और मैंने अपने उस वीडियो में से भी वो कट लगा दिया है और नया वीडियो भी मैंने उसमें उसके करेक्शन में डाला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगर नोटिफिकेशन में संस्कृत का कोई कॉम्बिनेशन मांगा ही नहीं गया है और ना ही दिया गया है, नोटिफिकेशन के सब्जेक्ट कॉलम में ना ही कुछ दिया गया है, तो क्लियर है आपको किसी कॉम्बिनेशन की आवश्यकता ही नहीं। बस आप याद रखें कि आपका बीएड और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट सभी सालों में होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मैं यह बात बार बार सभी को बता रहा हूं कि टीजीटी की स्क्रूटनी में कोई भी कास्ट क्लेम सर्टिफिकेट जो आप बनवा रहे हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं हरियाणा गवर्नमेंट का चलेगा। तहसील में जाकर आपको वह बनवाना चाहिए, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो। यदि किसी SC कैंडिडेट के पास कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी हो तो वह भी चलेगा, लेकिन BCA और BCB को नया 2022-23 कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपकी सिस्टर किसी जॉब पर है तो जाहिर सी बात है, चाहे वह प्राइवेट जॉब हो या सरकारी, जो सैलरी कोई भी इंस्टीट्यूशन देता है वह बैंक अकाउंट में देता है, बैंक अकाउंट, तो वह सैलरी किसी से छुपाई नहीं जा सकती। ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आपकी शादी फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद हुई है और आपने अपने फॉर्म में नो जॉब क्लेम कर दिया है तो आप अपने पापा की तरफ से क्लेम कर सकती है, क्योंकि जब फॉर्म भरा था तब आप अनमैरिड थी। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, चाहे आपने ग्रेजुएशन या बीएड कहीं से भी की हो, अगर आप SS टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन और बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। देखिए, वहां पर नोटिफिकेशन में SS टीचर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए होंगे, उसमें आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके लिए आप नोटिफिकेशन में जाकर SS के कॉम्बिनेशन विषयों को देख सकते हैं कि उसमें आपके विषय अगर कॉम्बिनेशन में है तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जिन एस्पिरेंट्स का अक्सर विषयों में कॉम्बिनेशन नहीं होता वह एडिशनल विषय के साथ डिग्री करते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, लिमिटेड कंपनी में सर्विस करना भी जो भी होती है, चाहे बाद में उसे पेंशन ना भी मिले। अब भी तो बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनमें पेंशन नहीं मिलती, तो ये गवर्नमेंट में भी पेंशन कर दी है, तो पेंशन ना भी मिले लेकिन पता चलने पर आपके साथ बुरा भी हो सकता है। इसलिए मैं ये राय आपको दूंगा कि आप जॉब क्लेम ना करें, लेकिन मर्जी आपकी है, आप अगर चाहें तो जॉब क्लेम कर सकते हैं। 4 शब्द लिखकर जरूर भेजें, मैं बार बार प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, कैटेगरी, सब्जेक्ट और जो आपके राइट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्शन प्लस राइट क्वेश्चंस, आपको जितने सही लगते हैं दोनों मिलाकर आप केवल वो लिख सकते हैं।
ताकि जल्द ही मैं आपके लिए एक सही एनालिसिस कट ऑफ बना सकूं। अगर किसी के पिता 2011 में गवर्नमेंट जॉब में से रिटायर हुए थे और 2014 में उनकी मृत्यु हो गई, तो सपोज से आपकी माता को पेंशन मिल रही होगी, तो पेंशन ही इतनी हो जाती है कि वो 180 से ऊपर हो जाएगी। अगर वो नहीं है और किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, तो भी आप समझ सकते हैं कि घर में जॉब तो थी, उसी से आप पले बड़े हुए हैं। चाहे उनको उनकी पेंशन अब किसी को ना मिल रही हो, सीधी है माता को और पिता को, दोनों को ही वो फायदा मिल सकता है, बच्चों को नहीं मिलता। तो इसलिए आप नो जॉब, आप जॉब क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। अगर आप बीए प्लस जेबीटी हैं, तो याद रहे आपको लेवल 2 टीजीटी एचटेट हरियाणा पास करना होगा, यानी एचटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना लेवल 2 जरूरी है, अगर आपने टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो। नेक्स्ट, पीजीटी की पोस्ट के लिए बीए प्लस जेबीटी वाला अप्लाई नहीं कर सकता, यह आपको याद रखना चाहिए। अगर बीएड कंपलसरी है तो उसकी जगह बीएड कंपलसरी ही होनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह की क्वेरीज और इल्यूजन्स के साथ मैं आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।